हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फास्ट के लिए एक बहुत ही टेस्टी और ईजी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं लौकी का लौंच। ये ईजी है, साथ में ये बहुत हेल्दी है, फास्ट के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लौकी को पहले से ही कद्दूकस करके रखा हुआ है। इसके लच्छे निकाल लिया है मैंने। और जब हम इसको कद्दूकस कर रहे हों तो पानी में ही कद्दूकस करें। इससे क्या होगा, लौकी के जो लच्छे होंगे उनका कलर चेंज नहीं होगा, यानी उन पे कालापन नहीं आएगा। और जब उसके बाद हमें इसका पानी निकाल लेना है, निचोड़ लेना है इसको। पूरी तरह से फोर्सफुली नहीं निचोड़ना है, क्योंकि लच्छे टूट सकते हैं। इसलिए बहुत ही आराम से इसके लच्छों को निचोड़ेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए थोड़े ड्राई से ही हैं। और अभी इसे चलिए हम बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं लिया है, क्योंकि हमने इसे पानी में ही रखा था, तो अभी इसमें काफ़ी मॉइस्चर है। और जब बॉईल करेंगे तब और मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, तो इसीलिए सिर्फ एक गिलास पानी लिया है। और एक गिलास पानी में हम इन लच्छों को बॉईल करेंगे। बस ओवर बॉईल नहीं करना है, करीब 80% इसे बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए बॉईल हो चुके हैं, पूरा बॉईल नहीं किया हमने, थोड़ा ये देखिए 80% तो बॉईल हुए हैं। थोड़ा बहुत अभी इनमें कसर बाकी है पकने की, तो वो हम बाकी के प्रोसेस में इसे पका लेंगे। तो अभी क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये, तब हम इसको पानी से निचोड़ लेंगे। तो इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए थोड़ा ही ठंडा हो चुका है। और अभी मैंने जो लच्छे हैं लौकी के, उनको इस तरह से देखिए किनारे पे रख लगा दिया है, ताकि इसके जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी इसमें से ड्रेन आउट हो जाए। और या फिर आप स्ट्रेनर से भी कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई से आप इसे इस तरह से कर लेंगे तो लच्छे टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं, हमने इनको बॉयल कर लिया है। तो बस अब इनको इस तरह से निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में, ताकि जो भी पानी इसमें बच गया है वो आराम से निकल जाए। तो इन देखिए लच्छों को मैंने स्ट्रेनर में रख दिया है, ताकि इस पे जो भी पानी रहेगा वो निकल जाएगा। तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं एक, क्योंकि अभी जैसे कि बताया ये लच्छे पूरी तरह से कुक नहीं करे थे हमने, 80% तक उबाला था। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है करीब एक गिलास पानी, और एक गिलास पानी में मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब चीनी। तो जो इसकी चाशनी है ना, थोड़ी थिक बनेगी, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं वैसी बनेगी। एक तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है, चिपचिपी होनी चाहिए चाशनी और थोड़ी गाढ़ी यानी थिक होनी चाहिए। चीनी को पिघलने देते हैं। और ये देखिए चीनी डिजॉल्व हो चुकी है, पिघल चुकी है। और अब चाशनी को पकाना है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इलायची के दाने। आप चाहें तो इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और अब चाशनी को पका लेते हैं थोड़ी देर। तो चाशनी जब पक जाए, थोड़ी थिक हो जाए, उसके बाद हम ये लौकी के लच्छे इसमें डाल देंगे। अभी जो इसमें थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है वो अब पकेगा चाशनी में। और हमें चाशनी को अच्छे से पका लेना है लौकी के लच्छों के साथ, ताकि जो भी चाशनी है वो सारी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो फ्लेम को कम कर देते हैं और ढक देते हैं, करीब 5 मिनट के लिए इसे ढकेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे।
देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट में देखिए जो चाशनी है वो आराम से लौकी के लच्छों में सोख हो रही है। थोड़ा बहुत इसमें रह गया है तो अभी और पकाएंगे। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा पतली चाशनी हमें नहीं बनानी थी, थिक बनानी थी, और बहुत ज़्यादा हमें एक तार वाली चाशनी भी नहीं बनानी है। तो जो चाशनी का जो कंसिस्टेंसी है वो यही होना चाहिए कि गाढ़ी होनी चाहिए, और धीरे धीरे हम इसे ओपन पैन में ही पका लेते हैं। और ये चाशनी सारी इसमें सोख हो गई है ये देखिए, और लौकी के लच्छों में अच्छे से पक चुकी है चाशनी भी। और ये अब इसमें ऐड करेंगे देसी घी। तो करीब मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप देसी घी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और इनका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा देसी घी डालने के बाद। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, कटे हुए काजू और बादाम। आप अपनी फेवरेट के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए घी डालने से इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है देसी घी से। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए हमने पका लिया है इसे अच्छे से चाशनी में, हमने देसी घी और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। वैसे ये रेडी है लौकी के लच्छे। अगर आप इसमें दो इंग्रेडिएंट्स और ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसमें अब ऐड कर सकते हैं खोया। ये मैंने घर पे खोया बना के पहले से ही रखा हुआ है तो मैं इसमें खोया ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप इसे बिना खोए के भी बना सकते हैं, लेकिन खोया डाल देंगे यानी मावा अगर इसमें डाल देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा खोया मिला देते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी ठंडा करके फ्रिज में बिना खोए के आप इसे ठंडा करें, फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी टेस्टी एक फास्ट की रेसिपी मीठा बन जाता है फास्ट के लिए। और अगर खोया आप इसमें डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें, इसके टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो खोया हमने ऐड कर दिया है और अब बस इसके ऊपर हम इसके कटे हुए पिस्ते से थोड़ी गार्निशिंग कर लेते हैं जिससे और ही अच्छा दिखेगा। ये देखिए हमारे लौकी का जो लॉन्च है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बहुत है ये फास्ट के लिए। तो नवरात्रि फास्ट अभी आने ही वाले हैं, उसमें आप ये बना सकते हैं। बनाकर स्टोर करके आप फ्रिज में रख दीजिए तो आप रोज़ इसे खा सकते हैं। इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे कटे हुए पिस्ते से और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ पेटल्स। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है लौकी के लॉन्च में। तो ये देखिए रोज़ पेटल से कितनी अच्छी दिख रही है हमारी ये लौकी की लॉन्च। ये रेडी है, फास्ट में आप इसे ज़रूर बनाएं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, आप ज़रूर पसंद करेंगे। और बहुत हेल्दी भी है जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, आप वो दबा दें और ये रेसिपी शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।